अब सीबीआई जो है आरजी कर अस्पताल में 9 अगस्त को महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध की जांच करेगी। जी हाँ, मामले की जघन्यता को देखते हुए इसकी जांच के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है। अब आज सीबीआई की 4 सदस्यीय ये विशेष टीम कोलकाता पहुंचेगी। कोलकाता पहुंचकर टीम पूरे मामले की शुरू से लेकर अभी तक के कोलकाता पुलिस से सारे दस्तावेज लेकर जांच करना शुरू करेगी। टीम के साथ फॉरेंसिक साइंटिस्ट और मेडिकल टीम भी होगी। टीम आज ही घटना स्थल पर भी जाएगी, जहां से सबूत के तौर पर कुछ नमूने भी लिए जाएंगे। साथ ही आपको बताएं कि महिला डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर जारी रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल अब खत्म कर दी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी कि फोडा के अध्यक्ष अविरल माथुर ने कहा है कि हमने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की और अपनी संशोधित मांगे उनके सामने रखी। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वे डॉक्टरों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराएंगे और ये भी कहा कि हमारी सभी मांगें मान ली गई हैं और इसीलिए फोर्डा जो है अब अपनी हड़ताल वापस ले रहा है। तो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला है, अब उसे सीबीआई जांच करेगी। बिल्कुल, और इंसाफ की दरकार है और इसके लिए से पहले जी को दी है, जिसपे मंत्री जी ने सबसे पहले घटना का संज्ञान लेते हुए घटना की कड़ी निंदा करी है। उन्होंने बताया है कि वो इस चीज़ को मानते हैं कि ये एक डॉक्टर के साथ कभी नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमें ये आश्वस्त किया कि वो डॉक्टर्स को सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट देंगे। हमारी क्योंकि सारी जो मांगे थी जैसा हमारी प्रेस रिलीज में था, उनको अभी मांग लिया गया है। तो हमें ये सोचते हुए लग रहा है, हम सब ने आपस में डिस्कशन किया है कि एज अ संस्था जो हमारी फोडा है, हम लोग की सारी डिमांड्स मानने की वजह से हम ये स्ट्राइक को अब विराम देंगे, हम इसे कॉल ऑफ करेंगे। तो फोडा के अधिकारी को आप सुन रहे थे, जो जिस तरीके से वो बता रहे थे कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात हुई और जो मांगे उन्होंने रखी थी वो सभी मांगे पूरी कर ली गई हैं और फोडा ने हड़ताल हालांकि वापस लेने के लिए अग्री हो गए हैं, रजामंद हो गए हैं, पर इसके अलावा कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अब सीबीआई जो है वो जाँच करेगी और आज कोलकाता में वो पहुँच कर सभी पुलिस से दस्तावेज लेगी। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल से अमरेंद्र गुप्ता जुड़ रहे हैं, वहीं पटना से मधुरेश जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र, यहाँ मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी कि जिस तरीके से पूरे देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा गुस्सा उबाल खा रहा है, हालांकि फोडा ने हड़ताल वापस ले लिए, लेकिन अभी डॉक्टर और संगठन है, यानी कि मुंबई का बीएमसी एमएआरडी है या फिर अगर आप एम्स की बात करें तो वहां के भी डॉक्टर संगठन है जिन्होंने अभी हड़ताल वापस नहीं ली है। ये डॉक्टर अभी क्या मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ आज के हालात पर अगर आपसे ज्यादा जानकारी लेना चाहें। के साथ जो रेप के बाद हत्या की गई, एक बड़ा ही गंभीर मामला है और संवेदनशील मामला था। इसको लेके लाजमी बात है कि सारे देश के डॉक्टरों में गुस्सा और उबाल आना लाजमी था और इसके लिए उन्होंने बाकायदा प्रोटेस्ट किया और जिस तरह से लगातार घटना होने के बाद से जिस तरह से पश्चिम बंगाल पुलिस का रवैया था वो खासा संदेहजनक था। उसके कई कारण थे। पहला कारण ये था कि जिस तरह से घटना के तुरंत बाद पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी, उस मामले में न तो उन्होंने सिर्फ एफआईआर की बल्कि इसको सुसाइड का रूप देने का प्रयास किया। जब और डॉक्टरों को सुबह पता चला घटना के बाद तो डॉक्टरों में गुस्सा था और उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए सीबीआई जांच की मांग की और लगातार उनकी मांग जारी रही। हालांकि मुख्यमंत्री जो है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी मौके पर पहुंचे, कल दो मंत्री भी पहुंचे, आपने देखा कि मंत्रियों को किस तरह से डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट किया। उनका साफ तौर पर मानना था कि किसी भी डॉक्टर और वो खासकर महिला डॉक्टर के साथ इस तरह की घटना काफ़ी निंदनीय है और इसकी सुरक्षा के पैमाने पर बात की जानी चाहिए। उसके बाद लगातार जब ये मामला पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट में पहुंचा तो हाईकोर्ट ने जब इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को मंजूर करते हुए तुरंत जांच
सीबीआई को दे दी और सीबीआई ने भी चूंकि मामला अति गंभीर और बहुत ही हीनियस क्राइम था इसलिए सीबीआई ने तुरंत इस मामले को टेकओवर किया और जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है उससे इस मामले को टेकओवर करते हुए आज जो है सीबीआई की टीम ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है जिसमें 4 सदस्यीय टीम है जो कि अब से थोड़ी देर में दिल्ली से रवाना हो रहे हैं कोलकाता में और 10 बजे तक वो कोलकाता में पहुँच कर जितने भी इस मामले में अभी तक जो कार्रवाई की है कोलकाता पुलिस ने वो सारा कुछ लेगी और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि सीबीआई की जो टीम है 4 सदस्यीय टीम वो घटना स्थल पर जाएगी और फिर से बारीकी से मुआयना करेगी और कुछ नमूने लेगी और साथ में एक बहुत गंभीर कल मामला आया जब मेडिकल कॉलेज में आपने देखा कि किस तरह से जिस जगह पे डॉक्टर के साथ बलात्कार हत्या हुई उस जगह के तोड़फोड़ करने की घटना आई इसको भी सीबीआई देखेगी कि आखिर क्या वजह थी कि हॉस्पिटल की उस जगह को भी तोड़फोड़। हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ कोलकाता से ज्यादा जानकारी के साथ प्रसन्नजीत भी जुड़ गए हैं, उन्हीं से जानकारी ले लेते हैं। प्रसन्नजीत देखिए, एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए जिस तरह की बार बार खबरें आती हैं महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की और जिस तरह से बलात्कार और फिर हत्या एक जघन्य अपराध, इसकी खबर और उसके बाद जिस तरह से वहां पर साक्ष्य मिटाने की कोशिश होती है, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर, मंशा पर तमाम सारे सवाल खड़े करती है। हाँ देखिए, कल जो हाईकोर्ट के सामने ये सब बातें रखा गया था तब जो चीफ जस्टिस की खंडपीठ है उनका अभी ऐसा ही कहना था कि लैक ऑफ सीरियसनेस, मतलब इस तरह की घटना में शासन और प्रशासन को जो सीरियसनेस दिखाना जरूरी था, तुरंत एक्ट करना जो जरूरी था और सही दिशा में एक्ट करने का जो जरूरी था ये कुछ नहीं किया गया है और इसीलिए लोगों की मन में लगा कि किसी ना किसी जगह पे सच्चाई को दबाने की कोशिश, सच्चाई क्या है किसी को मालूम नहीं है। सीबीआई का जांच शुरू होने के बाद आशा किया जा सकता है कि ये जो सच्चाई है सामने आए, जैसे अमरेंद्र कह रहे थे कल रात को जब हम ये खबर आप लोगों को भेजा तो किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि रेनोवेशन के नाम पर पीडब्ल्यूडी का जो वहां पे मजदूर थे इन लोगों को भेजकर उस जगह को तोड़ा गया है। मतलब ये जो बार बार मैं पिछले कई सालों से आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पूरे देश को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि महिला मुख्यमंत्री, इस तरह की कोनोटेशन को आप अलग रखिए, मुख्यमंत्री महिला बात को अलग रखिए, मुख्यमंत्री होने के नाते जो जो खतरनाक काम करना चाहिए उनको अपना बचाव करने के लिए, उनको अपना जो पावर है वो पावर को बरकरार रखने के लिए वो सब कुछ ममता बनर्जी करती है। तो मुश्किल यह है कि हम लोग समझते हैं कि महिला होने के नाते उनके पास से हमको कुछ अलग संवेदनशीलता की अपेक्षा हम करते हैं जो करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो महिला 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 करते करते हम उनकी तरफदारी करते हैं, मेरे ख्याल से जी प्रसन्नजीत, और इस वक्त की बड़ी खबर भी आ रही है प्रसन्नजीत की, सीबीआई की टीम जो है वो दिल्ली से अब कोलकाता पहुंच चुकी है, यानी कि आपसे कुछ देर बाद वो पुलिस से दस्तावेज इकट्ठा करेगी और उसके बाद जांच की कार्यवाही शुरू होगी। प्रसन्नजीत, मुख्यमंत्री ने कहा कि एक हफ्ते का टाइम दीजिए, अगर पुलिस नहीं काम करती तो सीबीआई की जांच होगी। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये आश्वासन को दरकिनार करते हुए सीबीआई को जांच अब सौंप दी है, कितनी उम्मीद जागी है? देखिए, पूरी की पूरी उम्मीद है। आज रात को आप सब लोगों को पता है कि कोलकाता या पश्चिम बंगाल की जो महिला जनसमाज है वो रात को रास्ते पे उतरने वाली है, ये सारे रात हमारे लिए है, वी आर ऑल इन नाइट ड्यूटी। ये बोल के महिला आज पूरे रात, मतलब रात को 11 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक ये कोलकाता की और बंगाल के अलग अलग शहरों की रास्ता का दखल लेंगे। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि महिलाओं की मन में जो आक्रोश है, महिलाओं की मन में जो आशा भी है इस तरह की सीबीआई के ऊपर से, अब सीबीआई के लिए एक ये एक चैलेंज है कि जिस तरह से 7 दिन की मोहलत के बारे में बताकर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का मंशा क्या था ये पता चल गया कि वो जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है उसको पीडब्ल्यूडी से तोड़वा गया है। मतलब अगर 7 दिन का समय दिया होता तो हो सकता है कि पूरा आरजी कर अस्पताल को ही तोड़ दे कि वहां पे कोई ना कुछ एविडेंस रह जाए। तो अब सीबीआई के लिए चुनौती है
कि वो कैसे इस तरह की तोड़ा हुआ सेमिनार रूम के आसपास से या अंदर से वहां से एविडेंस कलेक्ट करे, क्या क्या करे, ये तो सीबीआई का जो तहकीकात की तरीका है वो करेंगे वो लोग। लेकिन मेरा कहना यह है कि लोगों की मन में उम्मीदें हैं और उम्मीद जाग गया है और भी जाता कल हाईकोर्ट ने सीबीआई का जांच के आदेश देने के बाद, क्योंकि कोलकाता पुलिस और बंगाल की सरकार के ऊपर से लोगों की भरोसा पूरी तरह से उठ चुका था। इस तरह की क्राइम एक महिला किसी भी जगह पे, चाहे वो संदेश खाली के रास्ते पे हो, चाहे वो कूचबिहार में हो, चाहे वो चोपड़ा में हो, किसी भी जगह पे महिला के साथ इस तरह के उत्पीड़न, ये खतरनाक है। जी प्रसन्नजीत, यहाँ हम आपको एक पल के लिए रोकना चाहेंगे प्रसन्नजीत, क्योंकि बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि सीबीआई की टीम अब कोलकाता पहुंच चुकी है, दिल्ली से रवाना हो चुकी है और उसके बाद अब कोलकाता पहुंच गई। आपसे कुछ देर बाद सीबीआई की जो ये टीम है वो जांच शुरू कर देगी और कोलकाता उच्च न्यायालय ने कोलकाता के आर जीकर मेडिकल कॉलेज के छात्र की मौत के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। ये आदेश कल दिए गए थे और इसके बाद आज करीब करीब 8 बजे का समय हो रहा है और सीबीआई की टीम वहां पहुंच चुकी है। वक्त ये दिया गया है कि 10 बजे मेडिकल कॉलेज की छात्रा के रेप और हत्या का ये मामला, और अब सीबीआई की टीम जो है कोलकाता पहुंच चुकी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। जांच के लिए सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंची है। तमाम उम्मीदें जो लोगों की हैं वो थोड़ी बंधी हैं, क्योंकि सीबीआई की जांच से अब तमाम जो है साक्ष्य वो सामने आएंगे और इस मामले में कहीं ना कहीं जो इंसाफ की दरकार है वो पूरी होती भी नजर आएगी। एक उम्मीद लोगों को बंधी है सीबीआई जांच से। कोलकाता के अब आर जीकर अस्पताल सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंची है इस जांच के लिए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। और इस सीबीआई की टीम के साथ जो है एक मेडिकल और फॉरेंसिक टीम भी वहां गई है जो साक्ष्य इकट्ठा करेगी। लेकिन अभी प्रसन्नजीत हमारे संवाददाता ये भी बता रहे थे कि कल साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की गई है। जहां मौकाए वारदात हुई वहीं पर एक दीवार थी और उस दीवार को रेनोवेट किया गया है, गिराया गया है। अब सीबीआई ज्यादा जांच के लिए वहां पहुंच चुकी है। कोलकाता हाईकोर्ट ने कल आदेश दिया था कि सीबीआई जो है वो इसकी जांच करेगी। और रेजिडेंट डॉक्टर जो थे देशव्यापी हड़ताल पर थे और वो कह रहे थे, बार बार मांग कर रहे थे कि इस मामले की जो जांच है वो सीबीआई करे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात की, प्रमुख अपनी मांगे रखी और तमाम जो मांगे हैं वो तमाम मांगे जो है वो मान भी ली गई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा। और इसीलिए फोर्डा ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है, लेकिन कई और संगठन है, फाइमा ने अभी हड़ताल वापस नहीं ली है और कई और संगठन है जो अपनी कई मांगों को रख रहे हैं। और बड़ी खबर जो इस वक्त हम बता रहे हैं वो यही है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच के लिए सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंच चुकी है और तमाम जो और जानकारियां हैं वो निकल कर सामने आएंगी। कोलकाता में ही हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत वहां पर मौजूद हैं। प्रसन्नजीत, अब तमाम उम्मीदें बंधी हैं, अब तमाम साक्ष्य सामने आएंगे, क्योंकि सीबीआई के हाथ कुछ तो साक्ष्य लगेंगे। उम्मीद ये मैं जब कह रहा था कि ये दबाव और चुनौती सीबीआई के लिए है, क्योंकि बंगाल में एक तरह की एक नैरेटिव बनाया गया है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि सीबीआई के पास किसी मामला जाने की मतलब वो 3-4 साल के लिए निश्चिंत रह जाए, उसके पहले कोई नतीजा तक सीबीआई पहुंच नहीं पाते। तो ये जो आरोप है और ये जो नैरेटिव है, ये आरोप और नैरेटिव से सीबीआई को बाहर निकालना पड़ेगा। और उम्मीद इतनी ज्यादा है कि क्योंकि देखिए बाकी जो क्राइम है वो क्राइम होते रहते हैं, ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन समाज में क्राइम है, लेकिन जुडिशियल सिस्टम में भी ये अलग अलग किया गया है कि कौन सी क्राइम किस तरह की है। और इस तरह की क्राइम को हीनियस क्राइम, जघन्य अपराध की कैटेगरी में रखा गया है, मतलब जुडिशियरी के सामने भी। और कल जिस तरह से चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने यह भी कहा कि एक ऑन ड्यूटी लेडी डॉक्टर जिनका काम है, जिस डॉक्टर का काम है लोगों का जान बचाना, वो ऑन ड्यूटी लेडी डॉक्टर अगर अपने वर्क प्लेस में सेफ नहीं है और इस तरह से उनका रेप होकर मर्डर हो जाते हैं, तो मतलब उसके लिए जो सीरियसनेस दिखाना चाहिए था कोलकाता पुलिस और प्रदेश सरकार को, वो सीरियसनेस नहीं है। और अंग्रेजी में कोर्ट की तरफ से बताया गया कि लैक ऑफ सीरियसनेस। अब ये जो लैक ऑफ सीरियसनेस जो लोगों को समझ में आ गया था, ये लैक ऑफ सीरियसनेस को रियल सीरियसनेस में तब्दील करने का काम सीबीआई का है।
और प्रसन्नजीत लैप्स ऑफ सीरियसनेस जो होती है कहीं ना कहीं और जो दूसरे अपराधी होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं बल देती है ऐसे अपराधों को आगे भी अंजाम देने के लिए। बिल्कुल, देखिएगा आप संदेश खाली को याद कीजिए, जब हम बार 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 फरवरी मार्च में इसके बारे में बात किए थे, वहां पे क्या किया था, वहां पे सरकार की तरफ से और इसी पुलिस की तरफ से, उसमें वेस्ट बंगाल पुलिस, दो अलग अलग है, कोलकाता पुलिस और वेस्ट बंगाल पुलिस, तो वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से वहां पे भी दिखाए, ये साबित करने की कोशिश किया गया था कि हम जैसे पत्रकार आउट ऑफ द वे जाके गलत तरीका से वहां की महिलाओं को डराकर फुसलाकर गलत बयानबाजी कराया था जी। तो इस यहाँ पे तो कम से कम अब हम जैसे पत्रकार अंदर नहीं थे, लेकिन अब पुलिस की तरफ से ही जिस तरह से उनकी परिवार के ऊपर दबाव डालकर, प्रशासन की तरफ से उनकी परिवार के ऊपर दबाव डालकर इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश किया गया था, और एक एक आदमी को पकड़कर बताया गया था कि ये प्राइम एक्यूज्ड है। देखिए मैं ये बात समझना जरूरी है, हर जगह पे किसी भी जगह पे हम जैसे पत्रकारों को पता है या जो क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं उनको पता है कि कुछ प्रोफेशनल अरेस्टी रहते हैं, प्रोफेशनल कैदी जिनको किसी भी केस में उठा के आप पॉकेट मार ही हुआ है तो उसको उठा के जेल में डाल दो, आपका कोई सामान चोरी हुआ है उसको उठा के जेल में डाल दो, इन लोगों को 4-5-7 दिन के लिए जेल का खाना भी मिल जाता है, जरूरी चीजें भी मिल जाता है, तो इस तरह से और असल एक्यूज कहीं ना कहीं बचता चला जाता है जी। एग्जैक्टली यहाँ पे भी संजय राय को खड़ा किया था। संक्षेप में एक और चीज पूछना चाहूंगी, आप पुलिस की कार्रवाई की बात कर रहे हैं, बड़ा सवाल यह है कि पुलिस को दस्तावेज सौंपने हैं सीबीआई को, और जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है सवाल यह निशान खड़ा करता है, क्योंकि कल क्राइम सीन था, क्राइम सीन पर दीवार कैसे तोड़ दी गई। अब देखिए मैं यही ना कह रहा था कि आप लोग महिला मुख्यमंत्री करके थोड़ा कुछ संवेदन या इमोशंस या सेंटिमेंट उम्मीद करते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं, बंगाल के लोग करते नहीं हैं, अपने आप को बचाने के लिए और जिसको बचाना है, मुझे पता नहीं यहाँ पे किसको बचाने की कोशिश किया जा रहा है, इसको किसी को बचाने के लिए इस सरकार, इस शासन, इस प्रशासन किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक। संदेश खाली में एक फेक स्टिंग ऑपरेशन करा के वहां का सारे की सारे महिलाओं को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश किया गया, इसी तरह से यहाँ पे क्राइम सीन को ही तोड़वा दिया गया, तो मतलब किसी भी दूर तक जा सकता है ये सरकार और किसी भी माने मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि महिला मुख्यमंत्री बोल के कोई एडिशनल इमोशन, एडिशनल सेंसिटिविटी ये आप किसी का कोई उम्मीद नहीं करना चाहिए। ये एक मुख्यमंत्री है जिनका काम है तख्त पे कायम रहना और जिनका काम है अपने जो जी, सवाल ये है, देखिए एक महिला होने के नाते सेंसिटिविटी की उम्मीद की जाती है, जो सेंसिटिविटी की उम्मीद उनसे अब फिलहाल किसी तरह की नहीं की जा सकती है, लेकिन एक मुख्यमंत्री होते हुए उनके जो दायित्व हैं, उनके जो कर्तव्य हैं, कम से कम उन्हीं कर्तव्यों को निभा लें, कम से कम लॉ एंड ऑर्डर को ही संभाल लें। आप देखो, आप एक जो पुलिस स्टेशन में ना एक बोर्ड में लिखा रहता है कि किसी क्राइम के बारे में कि ये सस्पेक्ट है और तो बोर्ड पिन लगा के आप आजकल हम ओटीटी में देखते हैं कि इसके साथ इसका क्या संबंध, उसके साथ इसका क्या संबंध बोल के एक रेखान्वित किया जाता है और एक ज्यामिति, एक जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप ये काम करिए कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी को कहा कि पुलिस मिनिस्टर ममता बनर्जी को पूछा जाए कि वहां पे क्या हुआ है, फिर पुलिस मिनिस्टर ममता बनर्जी ने हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी को कहा कि वहां पे इस तरह से किसी का मौत हो गया, फिर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने पुलिस मिनिस्टर ममता बनर्जी को कहा कि इसको दबाना है, तो आप किस तरह की उम्मीदें कर सकते हैं। जो चीफ मिनिस्टर है वही हेल्थ मिनिस्टर है, वही होम मिनिस्टर है। हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ पटना से मधुरेश भी जुड़ गए हैं। मधुरेश, अभी जो है जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद फोल्डा ने हड़ताल वापस ले ली, लेकिन कई और संगठन हैं जिनकी हड़ताल अभी जारी है, वहां पर अस्पताल में क्या हालात हैं, किस तरह से काम सुचारू रूप से चल रहा है, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि किस प्रकार से क्या कुछ मांगे रखी गई थी जिनको पूरा कर दिया गया है।
जी जो सबसे पहली मांग डॉक्टरों की थी वो सुरक्षित वातावरण में काम करने की थी, और इसको लेकर के पटना में कई एक बार पहले भी हड़ताल हो चुकी है, मारपीट दो परिजन कई एक बार डॉक्टरों के साथ की थी, उसके बाद डॉक्टर ने ये मांग रखी थी और अभी कलकत्ता वाले मामले में ये फिर से रिफ्रेश हुआ है। हालांकि पटना पीएमसीएच और एनएमसीएच के डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले ली है, हालांकि एम्स में के डॉक्टरों ने अभी साफ नहीं किया है कि वो हड़ताल वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, लेकिन पीएमसीएच और एनएमसीएच में आज से जो ओपीडी की व्यवस्था है वो शुरू हो जाएगी, और इसके साथ ही दोनों ही पटना के बड़े अस्पतालों में ओपीडी के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है, डॉक्टर की अतिरिक्त तैनाती भी की गई है ताकि मरीजों को परेशानी ना हो। जी जी मधुरेश, जिस तरीके से डॉक्टरों की मांग थी मधुरेश की सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट भी आना चाहिए, हालांकि सीबीआई की मांग को मान लिया गया है, लेकिन डॉक्टरों की और मांगे थी जो सुरक्षा को लेकर है, उसको लेकर डॉक्टर अभी किस तरीके से रवैया अपनाए हुए हैं? हाँ देखिए, जैसा मैंने बताया कि पीएमसीएच और एनएमसीएच के डॉक्टरों का ये कहना है कि ठीक है, सरकार ने हमारी मांग जो हमने प्रेस रिलीज में जो बातें कही थी उन बातों को लगभग माना है और ये विश्वास दिलाया है कि आगे उनकी सुरक्षा के लिए के पूरे इंतजाम किए जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने जो अपना हड़ताल था वो खत्म कर दिया। लेकिन एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि नहीं, जब तक इस पर कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं होती है, सरकार की तरफ से कोई बड़ा कदम नहीं लिया जाता है, जब तक हम बिल्कुल आश्वस्त नहीं हो जाते हैं कि जो हमारी सुरक्षा को लेकर के सरकार जो कदम उठा रही है वो पुख्ता है, तब तक हम अपना जो हड़ताल है वो वापस नहीं लेंगे। जी मधुरेश, मधुरेश प्रसन्नजीत और अमरेंद्र आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, यहाँ लगभग थोड़ा चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी इस खबर पर हम बने रहेंगे, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।